ओके जैन, आपकी स्टोरी क्या है? मैं आपसे ही शुरू करूं। मेरी जर्नी एग्जैक्टली ऑपोजिट, लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट। आई वाज ऑलवेज ओबीस, ऑलवेज फैट, ऑलवेज ईटिंग। अच्छा। और वो जो दूध जलेबी और वो सारा था, वो दैट वाज माय नॉर्मल डाइट, क्योंकि मैं पंजाबी और लगता भी था। मैं पंजाबी हूं और नहीं कह रहे मेरी नॉर्मल डाइट थी। हां, लेकिन खाना लगता भी था, मैं तो खाता था, मुझे लगता नहीं था ना। अच्छा। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत स्लो था। सो व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी और मैंने देखा, सो एक्चुअली द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के थे, दे वुड एक्चुअली थिंक मैं उनका सीनियर हूं। अच्छा। ओ, आई हैड बड़े लॉन्ग हेयर, हां, वाज वेरी फैट, वाज टॉल, और वो सबको लगता था कि ये कोई सीनियर आ गया है जिसने अपनी शायद स्टडीज बीच में छोड़ दी थी कंप्लीट करने आया। हां, सो देन आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस एंड देन उसी वक्त आई वांटेड टू गो टुवर्ड्स दिस मीडिया साइड और टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। हां, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज नॉट ऑन। सबसे पहली चीज फॉर मी आई थिंक कि 80% आपकी डाइट है। हाँ। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी टाइप को समझना है। उसके बाद 20% या 30% मे बी देन इट्स द एक्सरसाइज। सो अगर आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली, उसको सीधा लेके चले आप, तो साथ साथ वर्कआउट कैसे like? आपने वो जो जलेबी और दूध और ये खाने जो बचपन से आप खा रहे थे, अगेन दैट इज मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। Because it's all willpower. Okay. All willpower. हाँ. और humanly everything is possible. आप कुछ भी achieve कर सकते हैं. सही बात है. So again, और sports का भी बहुत शौक था बचपन से. हमेशा से sports का बहुत शौक था. तो sportsmen की journey भी देखी कि यार इन्होंने कैसे achieve किया है जो उन्होंने किया. तो फाइनली फिर वन डे मैंने कोई टोटका अप्लाई किया, करना पड़ेगा नहीं, किसी की बात को दिल पे लगी, लड़की पसंद हो उससे कुछ कह दिया हो, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था। पहली दफा था जब तू कॉलेज आया, को एजुकेशन पहली दफा आया जब तू कॉलेज आया? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं थिएटर स्कूल में भी करता था। हाँ, मगर स्कूल कॉलेज में ये पकड़ लिया ना अरुण ने कि को एजुकेशन में पहली दफा कॉलेज में आया। कॉलेज में सो जरा कुछ नहीं, बट माय फादर यू ऑलवेज सेज आज भी कि जिसने अपनी भूख पे काबू पा लिया उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। वो दैट थिंग स्टेज विद मी टिल दिस डेट। 15 साल हो गए उस बात को, आज भी मेरे साथ है वो बात। तो भूख पे आप कंट्रोल करने आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो मैं, यू वुड नॉट बिलीव, आई यूज टू ईट अ होल लार्ज पिज्जा बाय माई सेल्फ। ठीक है, मतलब इतना फूडी था। और वो एक पॉइंट ये आ गया था कि घर वाले कहते थे जैन पिज्जा पड़ा है सामने, हाँ। तुम नहीं खाओगे? नहीं। विल पावर का सारा गेम। शुरुआत कैसे की? क्या किया? शुरुआत ये थी, आई यूज टू वेक अप और मैं एक गरम पानी का ग्लास लेता था, उसमें मैं शहद और लीमू डाल के स्टार्ट मैंने वहां से लिया। ओके। क्योंकि अगेन कहते हैं कि वो चर्बी पिघलाता है, स्टार्ट्स द प्रोसेस। ओके। और वो आप निहारमू, यस निहारमू, आपने वो स्टार्ट करना है। उसके बाद ग्रीन्स, एप्पल्स, अगेन लेटर ऑन मेरे ट्रेनर ने भी मुझे बताया कि तुम जो उस टाइम पे कर रहे थे, अब स्टडीज भी ये हैं कि अगर आपका बीच का एक मील है, जस्ट वन एप्पल इज इनफ। ग्रीन वाला, ग्रीन एप्पल, वन एप्पल इज इनफ। वो मैंने भी किया है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपके मील्स डिवाइड करते हैं। तो आप एप्पल नाश्ते में लेते थे? नहीं, जैसे आपने गरम पानी पिया? हाँ, नाश्ता आप जो मर्जी करें। हाँ। नाश्ता मींस कि जो मर्जी वो नहीं, पराठे और पूरियां नहीं, तो बॉइल्ड एग। अच्छा। बॉइल्ड एग लें आप सुबह। हाँ। उसके बाद यूज्ड टू गो टू द यूनिवर्सिटी। हाँ। यूनिवर्सिटी में जब भूख लगती थी तो वहाँ आपने पिज्जा मंगवा लिया या फ्राइज खा लिए, वो नहीं करना है। ओके। कीप एन एप्पल विद यू। अच्छा, ये ग्रीन वाला। आप एप्पल खाएं और वो आपकी भूख खत्म कर देगा, कोई मसला नहीं होगा। सही। उस बाद शाम को घर आए या जिम चले जाएं या वॉक कर लें, व्हाटएवर, फिर आप नॉर्मल नहीं तो मतलब लाइक। और फिर हाँ, एक और चीज, हाँ। लेट नाइट ईटिंग आल्सो। ओके। लेट वो भी खत्म की। यस। कोल्ड ड्रिंक्स। यस। हाँ। एक और भी अगेन, चीनी, चीनी चोरी। हाँ। और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं स्पेशली सॉसेजेस, नगेट्स, यस, और क्या क्या होते हैं वो, बीन्स, तो चिकन मिलती है सब, अब तो सब आ गया प्रोसेस्ड फूड। अच्छा, मगर ये सारी बात में जो मुझे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है जिससे इसने अपने वालिद साहब का कहा, आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर ना आपके घर वालों का, आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो फॉर इंस्टेंस मुझे पता है लाइक मेरे घर में मेरी वालदा या बीवी जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट उन्होंने किया इस चीज के अंदर कि मैं अपने आप को मेंटेन करूं। तो अब मैं खड़े होके सैलड्स बनाना, वो मेरे पास एक तो टाइम नहीं है और वो सारा कुछ, बट दे मेक श्योर कि यार ये
वो घर वाला जो बाकी सब खा रहे हैं ये वो ना खाए, इसके लिए तो अलग बनाया जाए। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके इर्द गिर्द लोग उतने ही मोटिवेटेड हो कि यार अच्छा इसको हमने एक सर्टन चीज के लिए मोटिवेट और हेल्प करना है। Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.